नमस्कार, स्वागत है आपका दाराज धर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं पूर्वांचल के आखिरी छोर यानी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के आखिरी छोर जिला बलिया में हूँ और बलिया में ये जानने पहुँचा हूँ कि जिस तरीके से लगातार पूर्वांचल को भयमुक्त कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के बाद, अतीक अहमद के बाद, विकास दुबे के बाद, इन सब के बाद पूर्वांचल भयमुक्त हो गया है, ये जानने आके मुस्लिम समाज के बीच पहुँचा हूँ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी इनसे सवाल करूंगा कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में क्या यहाँ का मुस्लिम समाज भी ये मानता है कि पूर्वांचल भय मुक्त हो गया है, या फिर मुख्तार अंसारी के बाद, अतीक के बाद ये मुस्लिम समाज भाजपा से नाराज है और खुश है तो क्यों है? क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के अब मुस्लिम समाज भी योगी मोदी का मुरीद हो गया है? जिला बलिया क्या कह रहा है, टकटकी लगाकर सुनते रहिए और मैं बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है आपका? जमशेद खान। जमशेद खान जी, जमशेद खान जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? जिस तरीके से लगातार लोग ये कह रहे हैं भैया एक बार फिर से मोदी आ रहे हैं, समाजवादी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन मोदी को हरा देगा, मुस्लिम समाज क्या सोच रहे हैं बलिया? मुस्लिम समाज यही सोच रहा है कि भय मुक्त, विकास मुक्त, विकास चल रही है जिसमें भाजपा की सरकार सही जा रही है, भय मुक्त है और विकास की रास्ता पकड़ी है, एक बार फिर उसको जिताना है। हमारे बलिया जनपद से लोगों का मत है और हमारा भी खुद का मत है कि भय मुक्त हो गई और वो विकास के रास्ते पे भाजपा चल रही है, इस पर और साथ देना है। विकास के रास्ते पे भाजपा चल रही है, विकास के रास्ते पे तो चल रही है, मुस्लिम समाज के विकास के रास्ते पे भाजपा चली है? विकसित चल रही है, कोई भय मुक्त सब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिया भाजपा ने? भाजपा हमें क्या दिया? अच्छी सड़क दी, आवाज़ दी, लाइटिंग दी और सुरक्षा दी। सुरक्षा दी जी। कह रहे कितना भी भाजपा कर ले, मुस्लिम समाज तो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा। ऐसा गलत है। गलत है जी, गलत है। लोग तो नहीं मान रहे ऐसा गलत है? मैं क्यों नहीं मान रहे, जो भी राजनीतिक से संबंध रखता होगा या देश के विकास से संबंध रखता होगा वो ये बात कहेगा जी। धर्म जात की कोई बात नहीं है, जो भी विकास का रास्ता देखा होगा, विकास देखा होगा, उसकी समझ में आएगी तो भाजपा को चुनेगी जी, बेशक चुनेगी। कह रहे हैं बलिया जो है, मुस्लिम समाज जो है बलिया का, वो तो समाजवादी पार्टी को ही जिताना चाहता है। ये गलत है। गलत ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात सपा को देख लिया गया है और भाजपा को भी समय दिया जा रहा, एक बार और भाजपा को जिताना है कि भाजपा खुलकर अपना विकास वाला काम जो है पूरा करे। कह रहे हैं भाजपा दबा के रखती है मुस्लिम? ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। योगी जी से डरते हैं? कतई नहीं डरते हैं, कानून से डरते हैं और कानून योगी जी लागू करा रहे हैं। बहुत खुश है जनता, बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। योगी जी से भी खुश है? बहुत सब खुश है। योगी जी से क्यों खुश है? उनकी व्यवस्था से खुश है, उनकी व्यवस्था सही है, भय मुक्त है, विकास से रास्ते पर चल रही है। हमारे एक नया पुल बन रही है, फिर जो पहले बिजली 5-5 घंटा गायब, अब यहाँ 1 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है, सचल गाड़ी लगवाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 2-2 दिन लाइन की व्यवस्था खराब थी, आज अभी खराब हुई, 1 घंटे के अंदर लग जाना है। 1 घंटे जी। यहाँ से कह रहे चंद्रशेखर जो थे प्रधानमंत्री जी, उनके लड़के, यहाँ से क्या नाम बताया उनका? नीरज शेखर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। तो क्या लगता है, नीरज शेखर को जिताएंगे या फिर समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट है उसको जिताएंगे? नीरज शेखर जी जीत रहे हैं तहे दिल से, पूरा बलिया जनपद का लोग ये विचार बना लिया है कि नीरज शेखर जी को जिताना है। नीरज शेखर जी को जिताना जी। कह रहे मोदी जी को तो चाहते हैं आप, मुस्लिम समाज चाहता है मोदी जी हार जाए? ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे आप? अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं अभी? हाँ बच्चे हैं, अभी चचा उनके हैं, चचा हैं तो बच्चे क्या जरूरत है? चचा है, चचा है। कैसे कह रहे हैं मोदी जी? जी जी जी, मोदी जी को बच्चे नहीं है, कह रहे हैं पैदल घूम घूम के आपका बलिया वलिया सब जगह से होके पैदल होके गए जी। कौन? राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा। घूमे उनका देश है, घूमेंगे, घूमने चाहिए, पर्चे बढ़ाएं, समय है उनके पास, पहले चचा को संभाल लेने दीजिए फिर बच्चे आए। पहले चचा संभाल। हाँ जी, आप भी चाहते मोदी जी? जी जी, सच बताइए। सच सच दिल बात है, झूठ नहीं बोल। क्या झूठ बोल रहे हैं भाई, मोदी जी को हम लोग खुद पसंद है। नीचे कमेंट करते हैं लोग कि ये झूठ बोल रहे हैं, कभी इनकी बात पे विश्वास मत करना। भय मुक्त हैं, जो कहेंगे भय मुक्त कहेंगे, कोई दबाव नहीं है। हाँ, नीरज शेखर जी जीत रहे हैं, वो जीतेंगे और एक बार चाचा जी को फिर जिताना है। फिर जिताना है जी। आपका क्या नाम है जी? आफ्ताब आलम।
आफ्ताब आलम जी। आफ्ताब आलम जी, आप भी बलिया में ही रहते हैं? जी बलिया बहेरी घर है। अच्छा, कब से रह रहे हैं बलिया में? पैदाइश से। पैदाइश से। हाँ। बलिया किस किस की सरकार में बदला, किस किस सरकार ने यहाँ विकास किया? जो तानाशाही के हुकूमत के जो चलाया उसको सरकार बदल देती है, बलिया जनता बदल देती है। जनता बदल देती है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार देश में? पूरा तानाशाही की हुकूमत चल रही है। अच्छा, तानाशाही की हुकूमत। हाँ, इसको बदलना है। अच्छा, तो आपके ऊपर तानाशाही की है सरकार ने? हमारे ऊपर, पूरे देश के ऊपर जो मनमानी ईडी पीडी कुल भेजा जा रहा है। देश तो खुश है, कह रहा है विकास हो रहा है, राशन मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं। राशन सड़क तो जो है वो सरकार के नियम है। हाँ। वो कोई रहेगा वो देगा। हाँ। नहीं कह रहे कांग्रेस ने तो सड़कें नहीं दी। कांग्रेस के तो सारा प्रोजेक्ट है। ये तो कह रहे हैं ना, भाजपा जीत रही है, चाचा खड़े तो आपकी साइड में। नहीं कह रहा है, वो तो सबको जो है मालूम है। भाजपा नहीं जीत रही है। नीरज शेखर जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, उनके नाम पे जो वोट मिलेगा, भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। भाजपा को नहीं मिलेगा? नहीं, तो वो भी तो भाजपा में ही है। तो ये यहाँ के पुत्र हैं, जो वो तो पड़ोसी है, तो उनको देना ही देना है, उनको देना है। हाँ, किसी पार्टी के हो। योगी जी से भी खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। क्यों नहीं? जो अरे इतना बढ़िया मुख्यमंत्री फंसा दो, किसी को जो कुछ कर दो, काउंटर कर दो, मरवा दो। एनकाउंटर से दुखी हैं आप? अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद कई हजार आदमी को होगा, तो गुंडो माफिया का ही तो हो रहा है। गुंडा है तो सरकार ने उसको फैसला देगा कि जो फैसला दिया तो सरकार ने एनकाउंटर कर दिया फैसला। पुलिस के संरक्षण में गोली मार दिया गया, सरकार दे रहा है फैसला। जय मतलब पूरा देश नाराज है। पूरा देश? चलो पूछता हूँ, पूरे देश से पूछता हूँ। हाँ जी, आप भी इसी देश के हैं? जी, मैं भारत का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? जावेद कमर का नाम। जावेद जी, ये तो कह रहे हैं भैया पूरा देश नाराज है, अतीक अहमद जी का एनकाउंटर कर दिया, इनका एनकाउंटर कर दिया, और इस बार भाजपा को हराएंगे हम। हो सकता है उनके कुछ रिलेशन में लगते होंगे अतीक अहमद जी। भाई अतीक अहमद उनके रिलेशन में कुछ लगते होंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोच रही है, सबको शौचालय, सबको आयुष्मान कार्ड, सबको हर कुछ दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है, कोई भेदभाव नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। भाई माफिया ही होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार होते हैं माफिया, तो माफिया कभी माफियागिरी करेगा। विकास हुआ बलिया का? अब बलिया के मुस्लिम समाज का भाजपा सरकार, अभी आपके सामने रोड बन रहे हैं, फोर लाइन बन रहे हैं, ग्रीनवे बन रहा है, पूर्वांचल बनकर तैयार है बलिया की सुविधा के लिए। रेलवे का विकास हो रहा है, रेलवे स्टेशन देखिए सुंदरीकरण हो रहा है, तमाम योजना है, एम्स यहाँ पे, पीजीआई बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है जी। कह रहे हैं पूर्वांचल में अब शांति स्थापित कर दी है योगी जी ने। शांति है ही है पूर्वांचल में, गुंडागर्दी नहीं है, माफियागिरी नहीं है, किसी कोई दबा नहीं रहा है, सब अपने सुकून से जी रहे हैं लोग, चैन शांति से लोग रह रहे हैं। भाजपा सरकार से पहले क्या होता था? परिवारवाद था, हमारे बाप है तो बेटा भी बनेगा, बेटा रहे तो बाप बनेगा, दादा बनेगा, यही था इसके पहले। इसमें परिवारवाद नहीं है भाजपा सरकार में? परिवारवाद नहीं है ना, परिवारवाद नहीं है। भाजपा सरकार में ये तो है कि हम हिंदू हिंदू का विकास करेंगे, मुस्लिम का नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? सबको मिल रहा है सुविधा, सुविधा सबको मिल रहा है, राशन हो, कोई भी योजना हो, सबको मिल रहा है। ये थोड़ा लेके आ रहा है कि मुसलमान को मिलेगा, ये हिंदू को मिलेगा, सबको मिल रहा है योजना, चिन्हित तो किया नहीं जा रहा है, सबको मिल रहा है। कह रहे मुस्लिम समाज को चुन चुन के परेशान किया जा रहा है ना, ये गलत बात है। जो माफिया है, माफिया को भाई सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी, माफियागिरी नहीं चलने देगी। भाई योगी जी का सोच है कि शांति व्यवस्था चले, कोई गुंडा ही नहीं होगा, किसी को कोई दबाया नहीं जाएगा, अपना कमाओ खाओ, आराम से चैन से रहो, गुंडई से किसी का जमीन कोई भूम माफिया नहीं हड़पने दिया जाएगा। तो यहाँ का मुस्लिम समाज भाजपा को चाहता भी है या बस ऐसे ही डर के मारे बोल रहा है? योगी जी के डर के मारे? हाँ, योगी जी के डर की वजह से बोल रहा है ये। यहाँ का मुस्लिम समाज भाजपा को चाहता भी है? हाँ, चाह रहा है, चाह ही रहा है, परसेंटेज यही बांट रहे हैं, चाह ही रहा है। चलिए, आपका क्या नाम है? अदालत। अरे मैं आ रहा हूँ ना, जानो आपको क्या? अदालत। अदालत। अदालत जी। रुके रुके भाई, आ रहा हूँ। अदालत है आपका नाम। अदालत जी, क्या लग रहा है आपको इस तरीके से? मतलब ये देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज? देखिए, लोगों का अपना 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 सोच है। जो हमारे यहाँ के नीरज शेखर थे, उनका टिकट मिला है, वो जाएंगे संसद में, जीत कर जाएंगे। ये सब हवा हवाई बात कर रहे हैं, करने दीजिए।
अदालत जी आप बताइए, जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं भाई सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है, सबको राशन भी मिल रहा है, क्या लगता है? पानी पीने का कोई जगह नहीं है। देखिए रोड रोड पर काम तो चल ही रहा है, काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी काम चल रहा है। हाँ, 5 साल में और इसका सुंदरगढ़ जाके देखिए, हमारे बलिया स्टेशन 1 नंबर का बन गया है, यहाँ रोड भी बन रहा है, नाली भी बन गया है, और क्या चाहिए। और राशन सरकार के तरफ से मिल ही रहा है, सभी लोग अपना अपना उठा रहे हैं। बलिया की जनता क्या चाह रही है? जनता तो यही चाह रही है नीरज शेखर को, नीरज शेखर को एकदम फाइनल है। समाजवादी का कुछ नहीं है यार? समाजवादी अभी अखिलेश अपना राजनीति करने नहीं सीख रहे हैं, अपने ही घर में तो बवाल कर रहे हैं। तब अपने घर में बवाल कर, तब कब चाचा का कोई सम्मान अगर नहीं करेगा तो दूसरों के क्या करेगा? दूसरों का क्या? तब आपका क्या नाम है चाचा? मुर्तजा, मुर्तजा शेख। अच्छा शेख साहब, शेख साहब आपको क्या लग रहा है आप बताइए, आपने तो सारी सरकारें देखी होंगी। ठीक है, सरकार तो अच्छा चल रहा है। वो तो नाराज हो रहे हैं आपके सामने खड़े हैं। अरे कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, सब तो बराबर होता नहीं है। क्या अच्छा चला, चले बता दीजिए। अरे मेरे राशन पानी मिल ही रहा है, कांग्रेस में भी मिलता था। हाँ, और जो है हम लोगों को राजनीति से मान लीजिए कि और क्या चाहिए, सरकार जो भी रहे अगर हम लोग मान लीजिए ठीक है, ठीक है बस। ठीक है आप इस सरकार में? हाँ ठीक। सुरक्षा वगैरह भी मिल रही है? सुरक्षा मान लीजिए, सुरक्षा तो अल्लाह देने वाला है, आदमी क्या सुरक्षा, तो सुरक्षा देती है सरकार। ठीक है अपनी जगह पर सरकार सुरक्षा दे रही है, ठीक है। हाँ हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और ये तो इस तरह नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाई मुस्लिम दबाए जा रहे हो इस सरकार में। अपनी अपनी ये है, सोचता है आपको ऐसा है भाई? हमको तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? बलिया का मुस्लिम समाज को नहीं लगता है ऐसा? अब भैया मुस्लिम समाज का आप तो मान लीजिए कि हम सबके बारे में तो बता नहीं पाएंगे, अपने बारे में बताएंगे। कह रहे हैं जितना इस सरकार में मुस्लिम समाज सुरक्षित है, पहले दंगे होते थे, हिंदू भी मरता था मुस्लिम भी मरता था, अब इस सरकार में ना दंगा होता है, ना हिंदू मरता है, ना मुस्लिम मरता है। भाई तो दंगा तो नहीं हो रहा है, दंगा तो नहीं हो रहा है। हाँ ये तो पहले क्या होता था? अरे पहले भी तो मान लीजिए कि वही होता था भाई, दंगा पहले होता था, लेकिन अब दंगा नहीं हो रहा है। दंगा से अब दंगा नहीं हो रहा है। अब रह गया सवाल कि अब गिने चुने गिन करके मान लीजिए कि भाई यार मर्डर ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ऐसे मर्डर ज्यादा हो रहा है, मर्डर ज्यादा हो रहा है। भाई एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके। हाँ आऊँगा तो रुको तो भाई, पूछ के मैं इधर से चल रहा हूँ, ख़त्म करता हुआ ही तो आऊँगा भाई, आऊँगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? जमालुद्दीन खां। है जमालुद्दीन खां। जमालुद्दीन खां जी। चाचा जी ये तो नाराज़ हो रहे हैं, यहाँ लोग खड़े हैं कह रहे हैं भाजपा ने जो है बेकार कर दिया सब। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी का अपना अपना सोच है। आपकी क्या सोच है? हमारी सोच है जो सरकार है बढ़िया है, भय मुक्त सरकार दे रही है, और आगे भी जो है माले जो नीरज शेखर आए हैं उनको हम लोग चढ़ बढ़ के वोट करेंगे, और फिर चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार बने। फिर चाहेंगे मोदी जी की सरकार बने? जी। क्यों चाहते हैं आप मोदी जी की सरकार बने? एक मुस्लिम समाज से हैं आप, उसके बाद भी चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने? इसमें मुस्लिम समाज हिंदू समाज की बात नहीं है, सबका सम्मान जो है, जो भी प्रोजेक्ट आता है सारे लोगों को मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और जो भी शासन है वो किसी का गुंडा ही नहीं चलने दे रहा है, सबको शांत से जो है जीने का मौका मिल रहा है। और मैं हुडंगई था, हल्ला बोल था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पिछली सरकारों में क्या होता था? कह रहे पिछली सरकारों में पूर्वांचल में अशांति थी, दंगे थे, बड़े बड़े माफिया थे, मुख्तार हो गया, अतीक अहमद हो गए, ऐसे लोग जो है गरीब लोगों को सताते थे, जमीन कब जाते थे, अब योगी जी ने सबका मामला ही खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया है, और हर समाज में जो है वैसे लोग होते हैं जिनको जो है वो हमारी भाजपा सरकार जो है वो उनको मुक्त कर रही है, इससे जो है भय मुक्त सरकार है, भय मुक्त सरकार है जी। आपको लगता है ऐसा कि भाई इससे मुस्लिम समाज नाराज नहीं होगा? नहीं, कुछ तो लोग नाराज रहेंगे ही, लेकिन कुछ लोग जो है खुश भी हैं कि हम लोग जिन्हें मतलब कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, कहीं भी हो रहा है तो उसको नियंत्रण कर दिया जा रहा है, और इसलिए जो है मुस्लिम समाज में अधिक लोग मोदी जी को मानते हैं।
बलिया के लिए क्या किया योगी मोदी? ग्रीन है, मतलब वो रोड बना रहा है, चौड़ीकरण कर रहा है, स्टेशन का सुंदरीकरण कर रहा है, मतलब सामाजिक कार्य कर रहा है, व्यक्तिगत कार्य नहीं हो रहा है। तो ये होना भी नहीं चाहिए, समाज के लिए सब काम हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पुल बन रहा है तो हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सड़कें बन रही है हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सारे लोग चलेंगे, तो उसमें जो है भेदभाव कहाँ है? समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा मुस्लिम समाज? जाएगा ही जाएगा। तो आप क्यों भाजपा पे जा रहे हैं? हम सबका साथ, सबका विकास, सबका मतलब विश्वास के साथ चल रहे हैं। समाजवादी में सबका साथ सबका विकास नहीं है? नहीं, उसमें जो है जातिवादी या भाईवादी होता था, जातिवादी में। अब इन लोगों की भी सुन लेते हैं। बताइए भाई जी, क्या कह रहे थे आप? क्या सुनना चाह रहे हैं आप? ये तो कह रहे हैं भाई मुस्लिम समाज का विकास हो रहा है, सड़क बन रही है, सभी लोग चलेंगे इस पे, राशन मिल रहा है। किस सरकार में नहीं होता है? इससे पहले क्या विकास नहीं होता था कांग्रेस में? कह रहे हैं भाई 70 साल में तो ऐसे हमने सड़क क्या होता है? वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप आदमी आम आदमी से पूछिए ना। तो हम आपको आम आदमी है, हम किसी के वो सपोर्ट में, वो बोल देंगे आप समाजवादी के कार्य, हमारे चचा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे चचा हैं। कह रहे हैं सुरक्षा मिली है? सुरक्षा मिली है? कहाँ को मिली है? क्या सुरक्षा मिली है बताए? 2014 के बाद कितने दंगे हुए कि नहीं है ना? और 2014 से पहले जितने दंगे हुए थे, दंगाई है तब कैसे दंगा होगा? आप खुद सरकार में आ जाएं, मतलब एक बात कर रहे हैं आप, खुद दंगाई अगर सरकार में आ जाए तो दंगे कैसे होगा? तो दंगाई सरकार में आ जाए तो और अच्छा दंगा हो सकता है? नहीं नहीं, तो फिर सरकार बदनाम होगी ना, उसी की तो सरकार है। चलिए, उन्होंने तो दंगे करने इसलिए छोड़ दिए, सरकार में चले गए। दंगे की बात मत करिए, अभी जो बात कर रहे हैं मुद्दे की बात करिए। विकास हुआ? विकास तो हर सरकार में नहीं है, कहाँ नहीं होता है बताइए। जैसे जैसे इस सरकार में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन गलत नीति के तहत। क्या गलत? मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। क्या दबाया मुस्लिम? मान लीजिए आज नमाज पढ़ी आपने? हाँ। ईद मनाई? ईद मनाई। पाकिस्तान में तो हिंदू समाज को जो है दिवाली और होली नहीं मनाए, मनाने देते। आप या खुलेआम ईद मना, दिखाइए ना हमें प्रूफ की। कोई बोल देगा आप मान जाएंगे? देखा इंटरनेट पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान से नहीं मानेंगे? हिंदुस्तान में आप मुस्लिम समाज के होकर के बढ़िया से ईद मना रहे हैं, हर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं आप बोल रहे हैं। अच्छा, नमाज में आप एक वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे आप? क्या सड़कों पे पंडाल लगता है, कोई कुछ कहता है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है 4 मिनट के लिए तो उसको लात से हटाया जा रहा है? वो आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसके लात मारी, लात लात से हटाया गया। आपने वो कावा वो सुने थे, वो घटना जिसमें जावेद और साजिद ने दो दो हिंदू बच्चों का गला काट दिया था, उस पर वो नहीं आपके? वो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है, बात कर रहे दोनों तरफ की बात कर रहे हैं बनारस वाला, उसके बारे में क्या? अब साजिद जावेद गला काटते, वो गलत है तो गलत है, वो गलत है तो दोनों तरफ है, तो इसको भी तो गलत बोलिया, ये दिखाएंगे ही नहीं आप, वो क्यों नहीं बोलते आप? नासिर कबीर, नासिर का भी जो जला कर फेंके के थे वो बजरंग दल वाले, से इतनी दिक्कत क्या? क्यों नहीं दिक्कत है? 20-20 मुसलमानों का टारगेट किया जा रहा था, टारगेट किया क्यों नहीं? नासिर अजम से नासिर का अभी तक उसका नहीं हुआ। बिरजीत सिंह क्या है? माफिया नहीं है। त्रिभुवन सिंह माफिया नहीं है। टी राजा जो हैदराबाद के विधायक, वो माफिया नहीं है। योगी जी नहीं है। योगी जी खुद ताड़ी पार, अमित शाह खुद अमित शाह ताड़ी पार है, उनको कभी टारगेट किया जा रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नेता भाई टारगेट कर रहे हैं। आप ये बताइए, वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा का सपोर्ट करेंगे, भाजपा के नेता है, भाजपा का नेता कार्य करेंगे, हम लोग सपा जय समाजवाद तय समाजवाद, सिंपल हो गया। आप समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के सपोर्ट, भाजपा करते हैं, भाजपा है, हम लोग आम आदमी है, हम लोग आम आदमी है। यहाँ पे अभी तक बहेरी चट्टी पे पानी पीने का कोई जुगाड़ नहीं रखा गया है, नहीं उमरगंज में यहाँ पे कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? यहाँ इतना गर्मी हो रहा है, कोई पानी पीने वाला कोई चट्टी चौराहे पे कोई दिखा दीजिए। आप मीडिया है, बिके हुए मीडिया है, आप लोग खुद नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग गोदी मीडिया है, ठीक। सिर्फ मुसलमानों का टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। आदर आपसे बात कर तो रहा हूँ, सुनिए, हम बता रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, अभी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आने वाले 10 सालों में देखिएगा सबका साथ सबका विकास भी होगा लेकिन सबका विनाश भी होगा 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद सबका साथ सबका विकास और सबका विनाश भी होगा। इस 10 साल में तो भारत बदल गया। चावल का रेट जाएगा 20 रुपया, तो ऐसा नहीं ना कि हिंदू को 15 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं ना, सबको बराबर मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं सबको बराबर मिल रहा है, तो आप फिर क्यों कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है? अभी तो सबको भेदभाव इसलिए हो रहा है कि माफिया के नाम पर मुस्लिम लोगों को ज्यादातर परेशान किया जाए। कितना परेशान किया हमें? क्यों माफिया? तो जब आप माफिया नहीं, हम आम आदमी है ना, तो माफिया को परेशान किया, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सपोर्टर है ये भी है, क्यों दिक्कत हो रही है माफिया को परेशान की? माफिया है तो परेशान होगा, तो माफिया वही दिक्कत ये हो रही है कि एक माफिया को अपनी पार्टी में लिए है तो साफ हो गया, मतलब वॉशिंग मशीन पार्टी है, वो जो उसमें जाएगा वो साफ हो गया। विकास दुबे माफिया था, उसको निपटा दिया।
अति के मन माफिया था, उसको भी निपटा दिया, उसमें दिक्कत क्या है? अय्या राजा भैया क्या है, सन्यासी हैं, संत हैं, हैं बिरजय सिंह कौन है बताइए? हाँ आप सिर्फ बोलिए मत, सिर्फ आप बताइए कौन है? खिलाफ मुकदमे होंगे वो भी जाएंगे ना? कहाँ जाएंगे? आपने योगी जी अपना सारा मुकदमा हटा लिए, वो क्या है? ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब योगी जी की सरकार में विकास नहीं? नहीं, विकास की हम कहाँ बात करें, क्या विकास चाहते हैं? नौकरी हुई है, सड़क उनका बनाना काम है, कोई अपने बाप के पैसे से नहीं करते हैं वो, सरकार पूरा जनता की पर्सा है। क्या लग रहा है बलिया से, क्या लग रहा है बलिया से, क्या लग रहा है ये अभी कैसे बता दें हम? अभी मोमेंट चल, नीरज शेखर जी को टिकट मिला है, तब बात ये नहीं है कि नीरज शेखर कैसे हैं, नीरज शेखर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनमें कोई खोट नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत पार्टी को पकड़ लिया है। कौन सी पार्टी पकड़ी? बीजेपी। सपा भी पकड़ते तो भी हम सही उनको नहीं मानते। तो कौन सी पार्टी उन्हें पकड़नी चाहिए थी? कांग्रेस? नहीं, गलत नीतियों वाली पार्टी कोई कांग्रेस क्यों पकड़े, वो जब समय आएगा तो बोलने, लेकिन उन्होंने सपा से जाकर बीजेपी में गए, विलय हो गए। तो किसी पार्टी से तो टिकट उन्हें लेना पड़ता है? लेना ही पड़ेगा ही। चलिए बलिया, अब आपकी बात सुन ली, अब मत टोकेगा, देखिए अब मत कहना कि आप जो है, हाँ अब मत कहना, फिर बोलें कि आप बोल लोगों से पूछा। आपका क्या नाम है भाई? फैजान। फैजान, क्या लग रहा है फैजान भाई, यहाँ बलिया से कौन जीत रहा है? अब तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव होने के बाद ही तो पता चलेगा, चुनाव में वोट तो आप ही डालोगे? तो डालेंगे तब तो देखा पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा, चलिए आपको भी नहीं। आपका क्या नाम है चाचा? नैमुल हक। नैमुल हक, नैमुल हक भाई, कैमरे से नैमुल हक, नैमुल हक। आप जी, आपको क्या लग रहा है इस बार बलिया से किसकी सरकार बन रही है? नीरज शेखर जा रहे हैं। नीरज शेखर जा रहे हैं, तो नीरज शेखर तो भाजपा में है। भाजपा में है तो तभी ना मोदी जी तीसरा हार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मोदी जी इस बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, तीसरा हार। वो तो विरोध कर रहे थे मोदी जी ने, योगी जी ने मुस्लिमों को दबा दिया। पार्टी में रहेगा वो तो विरोध करेगा, जिस पार्टी में रहेगा। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ नीरज शेखर निकल के जा रहे हैं, हम लोग घर के बगल के हैं, नीरज शेखर को वोट देंगे। हाँ, जब जब वो खड़े हुए हैं तब तब हम लोग दिए हैं। बलिया से भारतीय जनता पार्टी क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो आपको नहीं लगता ऐसा जैसी बात उन्होंने बोली कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया? नहीं नहीं, वो सब नहीं है, सब विकास आराम बढ़िया से हो रहा है, सबको बराबर हो रहा है, आवास मुसलमान को भी मिल रहा है, राशन मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं है। उसमें कोई कटौती नहीं? नहीं, विकास सब हो रहा है। तो वो क्यों परेशान है? वो तो कह रहे तो माफिया बना बना के मुस्लिमों को निपटा दिया है। चलिए, जो जैसा है वैसा। आपको लगता है ऐसा मुस्लिम समाज जो है परेशान है सरकार? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक बढ़िया है।